वैश्विक महामारी कोरोना वायरस अब धीरे धीरे शहरों के साथ साथ गांवों में भी अपना पाँव पसारता नजर आ रहा है, और यही वजह है कि पंचायती राज विभाग भी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय हो गया है। ग्राम पंचायत विभाग द्वारा जनपद के सभी 1294 ग्राम पंचायतों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम चलाया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद के सभी 1294 ग्राम पंचायतों में 3000 छोटी मशीनों सहित 40 बड़ी मशीनें थी और 10 मशीनें खरीदी गई हैं, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे सार्वजनिक स्थल हो, बाजार हो, पंचायत भवन हो या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लोग आते जाते हैं या इकट्ठा होते हैं, को पंचायती राज विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइड एवं पानी का मिश्रण बनाकर निरंतर सैनिटाइज किए जाने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। अभी जैसा कि आपको पता है कि जो कोरोना की दूसरी लहर जो है थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सभी 1294 ग्राम पंचायतों में 3000 हमारे पास छोटी मशीन है जो पीठ पे लाद करके जिसे सैनिटाइज किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास लगभग 40 बड़ी मशीन है, आज और 10 ग्राम पंचायतों ने बड़ी मशीन खरीदी है। इन सारे मशीनों से हम लोग सभी जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो बाज़ार हों, चाहे वो पंचायत भवन हों, चाहे वो कोई भी ऐसा पुस्तकालय हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग जमा इकट्ठा हो सकते हैं ऐसी जगहों पे, इसके अलावा कंटेनमेंट जोन जहाँ भी व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं या जहाँ के घर में संक्रमण पाया गया उसके आसपास के इलाके में, प्रथम चरण में ऐसे सभी जगहों पे हम लोगों ने छिड़काव करा दिया। अब द्वितीय चरण में हम लोग जो सेकेंड राउंड जो स्टार्ट किए हैं, इसमें इन सभी जगहों के अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थल है वहाँ तो करा ही करा रहे हैं, इसके अलावा जितने संक्रमित व्यक्ति हैं उसके घर के आसपास जो कंटेनमेंट जोन है उसके आसपास तो करा ही करा रहे हैं, इसके अलावा प्रत्येक घर में इस बार हम लोग छिड़काव करा रहे हैं। इसके लिए अभी तक हम लोगों ने लगभग 8000 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट का प्रयोग किया है। इसके अलावा हम लोग लगातार सोडियम हाइपोक्लोराइट मंगा भी रहे हैं, हर ब्लॉक में हम लोग अभी तक 500 लीटर के आसपास सोडियम हाइपोक्लोराइट भेज चुके हैं। इससे हर घर में छिड़काव कराया जा रहा है और ये छिड़काव तब तक जारी रहेगा जब तक कि कोरोना बिल्कुल समूल नाश नहीं हो जाता। सर, कोटे की दुकान पर भी काफ़ी भीड़ लगती है वहाँ पर? बिल्कुल, कोटे की दुकान जैसा कि आपने देखा होगा पिछले दो दिनों से हम लोग लगातार हम लोग का मेन फोकस जो था कोटे की दुकान थी। हम लोगों ने 1400 कोटे की दुकान कुल है हमारे ग्रामीण इलाका में, उसमें कल तक हमारे पास जो फिगर था हमने एक की फोटोग्राफ्स भी मंगाई है। लगभग 1250 ग्राम पंचायतों की जो कोटे की दुकान है वो 1250 कोटे की दुकान पर हमारा छिड़काव हो चुका है, तो 150 कोटे की दुकान पर छिड़काव बाकी है जो आज और कल तक में सब में करा लिया जाएगा।